मिलने की तारीख तय नहीं है। अब अगर वेतन ना मिले तो कोई काम क्या करेगा, और इसलिए ये सुनिश्चित करेंगे कि 1 तारीख को आपका वेतन निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। पंचायत सचिव मित्रों, आप सबको 7वें वेतन मान का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। पंचायत सचिवों को समय मान वेतन मान भी दिया जाएगा। भगवान ना करे, लेकिन कई बार असमय काल के काल में हमारे साथी चले जाते हैं, ऐसे में भगवान ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो पंचायत सचिव की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके नियम अत्यंत सरल कर दिए जाएंगे। पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्त होने पर 1 मुश्त 3 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाएगा। पीसीओ के पदों पर नियुक्ति के समय 50% आरक्षण ग्राम पंचायत सचिवों को दिया जाएगा। पंचायत सचिव मित्रों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना वो भी दिया जाएगा। और मैं एक बात मानता हूं, जब शासकीय सेवा में है तो शासकीय सेवा में जैसे बाकी सेवकों को छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, बाकी सुविधाएं मिलती है, मैं जानता हूं एक समय था तब आपका वेतन केवल 500 रुपया हुआ करता था। आप में से कई लोग भूले नहीं हो, इसको बढ़ा के 1250 रुपया किया गया, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि दिग्गी राजा ने तो 500 रुपये ही में रखा था, उन्हें पूंजी भी 500 रुपये रखे थे और पंचायत सचिव भी 500 रुपया में रखे। लेकिन आप बताओ, जब अपने जीवन का ठिकाना नहीं है तो अपन जनता की सेवा कहां से करें। और इसलिए मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि नियमित कर्मचारियों के समान आपको सारी सुविधाएं देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।